हेलो गाइस, मैं मनीष शर्मा। आज का हमारा सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट वन किया था। आज हमारे पास पार्ट टू अवेलेबल है, जिसमें हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस हमने किए थे। आज हमारे समक्ष नेगेटिव सेंटेंस हैं। अनुवाद करने के नियम, नंबर वन, नेगेटिव वाक्यों के अनुवाद अफर्मेटिव वाक्यों के समान हैं। जिस प्रकार से आपने अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस किए थे, इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस के भी नियम आपके समक्ष हैं। और सहायक क्रिया इज एम आर, जिस प्रकार से आप इज एम आर का प्रयोग पहले करते थे, इस प्रकार से यहाँ पर भी इज एम आर का प्रयोग करना है। के बाद और मुख्य क्रिया के पहले नोट लगाते हैं, केवल नोट का अंतर है। नंबर टू, सामान्यतः अनुवाद में शब्दों का क्रम निम्नलिखित होता है, जैसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको इज एम आर में से कोई सा एक लेना है, प्लस नोट, फिर मेन वर्ब, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट और ई टी सी इत्यादि। नंबर वन, आओ बाहर चलें, अब वर्षा नहीं हो रही है। लेट्स गो आउटसाइड, फुल स्टॉप, इट, वर्षा, सर्दी, मौसम जहाँ पर भी होगा आप सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। और इट गाइज आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इट के साथ आप इज नोट का प्रयोग करेंगे। तो इट इज नॉट रनिंग नाउ। नंबर टू, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। यू आर नॉट लिसनिंग अटेंटिवली टू मी, अटेंटिवली ध्यानपूर्वक, लिसनिंग सुनना। नंबर तीन, राम आज नदी में तैर नहीं रहा है। तो राम सिंगलर है, राम सिंगलर के साथ इज का प्रयोग, राम इज नॉट स्विमिंग इन द रिवर टुडे। नेक्स्ट, नंबर चार, वे सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं। मेकिंग इंग्लिश दे आपका क्या है, प्रोलर है, तो दे आर नॉट रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट, नंबर फाइव, बच्चा बिस्तर पर नहीं सो रहा है। द चाइल्ड आपका सिंगुलर है, तो इसलिए इज द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग इन द बेड। नंबर सिक्स, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। द प्योन आपका क्या सिंगुलर है, तो इसलिए इज नॉट रनिंग द बेल। क्वेश्चन नंबर सेवन, राम मुझे नहीं बुला रहा है। रामा जो सिंगलर है, तो इज नॉट कॉलिंग मी, रामा इज नॉट कॉलिंग मी। नेक्स्ट, नंबर एट, कुत्ता नहीं भौंक रहा है। द डॉग इज नॉट बार्किंग। नेक्स्ट, नंबर नाइन, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। तुम यू आपका प्लूरल है, तो आर, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। नेक्स्ट, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर टेन, जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। द जज इज नॉट हेयरिंग द केस। ओके गाइज, आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।